जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान कार्यक्रम मंथन को आपण समस्त स्वागत करुच्छी मुकुटी। चतुर्थ संस्कार विषय दर्शक बंधु आपण मैंने जानवाक पाते पुणी पंचम संस्कार नामकरण कहीं जाए एक दिन में कथा से रही जाता। आज जानवा कि नुआ कथा संस्कार विषय तापण मानकर अनेक प्रश्न थी से सब जानवा से प्रथम कितु स्वागत करवा आप समस्त प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री सन्थ महोदय को गुरुजी आपम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। नामकरण संस्कार विषय आप कथगत अध्याय आरंभ करते एक दिन में कि गोटे मस दिखाए आपत तार वैज्ञानिक कारण आमको बुझाते कौन कह जहाँ से समय सीमा भितर गोटे शिशु ना को जापर शक्ति बोध शक्ति भितर हो न था से ना डक जापर नहीं ही डक जा तेना आवश्यकता कौन अच्छी जितेबले सी सचेतन अवस्था को आसब जदि से नामकरण दि जाए तो सी जान मो ना या तो सी बोधशक्ति आसला पूर्वर सी किसी प्रकाश कला पूर्वर जो नाटी आम एक दिन दिन दे था से ना उच्चारण कले सी न बुझी पारे मुंड बुले दिए बहुत समय आम भावु जो शिशु मानकर जो बोधशक्ति जितेबले तार कहिबार शक्ति आसे से बोध हुए परिस्फुटित हुए ता नुहे अनेक समय शिशु सांकेतिक भाषा बुझा को सक्षम रुहे तेणु जितेबले आम नाम उच्चारण करुचु तार जितेबले सेल्फ डेवलपमेंट हुए से कौन करे आमर ओठर चालन रु से बुझिपे जे ताकू ही डका होची बहुत समय आम गोटे गोटे शब्द सृष्टि करू से शब्द टी शुणिला बेले शिशु बुलिकी चाहे जितेबले ता भितर बोधशक्ति हो न था तो से शब्दटा को जानुची केमती जे ए शब्द जने सृष्टि करुची जे कि निजर से बुलिकी अनौची केमती तो ता भितर थिवा कोशिका गुड़िक विकसित होंती तो से जो कोशिका विकसित हबार समय एक दिन रु मसे भितर आम नौचे से समय नामकरण कर नामकरण आवश्यकता कौन अच्छे भिन्न भिन्न नाम आम दूचे नामकरण आवश्यकता कौन अच्छे आजिकल आम जो नामकरण करुचे से आम भूली जाऊे जो कौन सी अर्थ थिबा नाम दबापाई नार मध्य प्रभाव अच्छे बहुत समय रे आम से जातक जो आम देखुचे जातक देखुचे जे कौ कौ अक्षर रे तार ना बाहर से अक्षर सुप्रभाव ता शरीर उपर अच्छे किंतु आमर जातक जातक जगार रोचे जातक अक्षर जातक केवल लिपिबद्ध हो रोचे आम नामकरण जितेबले दौचे से आमर इच्छा अनुसार आम को सुहाइला भले नामकरण टे दौचे जो गोटे किंबुत किंबाकार चरित्रटे गढ़ापाई आम मूलदुआ पकाचे नामर मध्य प्रभाव अच्छी तार विज्ञानसम्मत अर्थ मध्य अच्छे को अक्षर उच्चारण ता कान बाजिले जिते तार बोधशक्ति से अक्षर टी ता ना कान जिते बाजिब से अक्षर द्वारा ता भीतर थिबा ग्रंथि एवं उपग्रंथि गुड़िक केमिति सक्रिय हबो जहाँ को जिते आम ध्वनि विज्ञान को जीवु लिपि विज्ञान को जीवु तो ध्वनिर जो शब्द सृष्टि होची से शब्द कौटी जाए पहुँचुची कौ जगार पहुँचले कौन तार कंपन होची कंपन परिमाण केते से कंपन द्वारा कौन परिवर्तन होची शरीर भितर सी भी गोटे विज्ञान तो से विज्ञान को भी छाड़ी जाई नांती मुनि ऋषि माने छोटो टू छोटो कथा जहाँ आम पाई आवश्यक ताकू से माने व्यवहार कर तेणु नामकरण जितेबले आम करुचे जदि आम जातकटे करुचे जातक गोटे हिंदू संप्रदायर संपत्ति नुहे जातक विश्वस्तर रे ग्रहणीय होउथिबा विज्ञान जेपर्यंत आम मन भितर सेतक न आसीचि से पर्यंत आम कौन सी जिनस ग्रहण करिबा नाही आम जितेबले तुलना करुचे से तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी तुलना करिबा दरकार जो देश पाखरे अत्याधुनिक विज्ञान शैली अच्छे से केबे
ताठु अनुन्नत श्रेणी विज्ञान को ग्रहण करिवो कि केबे नुहे। ठीक सेमती जहाँ पाखरे उन्नत विज्ञान अछि से अनुन्नत विज्ञान को काहीं कि तुलना करिवो। गोटे उन्नत विज्ञान रो संस्कार हिंदू बा सनातन रो संस्कार, गोटे अनुन्नत पाश्चात्य। तो आम उन्नत को अनुन्नत सहित सब तुलना करुचे बाह्य चाकचक्य दृष्टि। जहाँ पाखरे से विज्ञान नाही, से टेक्नोलोजी नाही, से माने व्यवहार करिपारिबे नाही। गोटे केते सरल कथा आम जातकटे साधारण भाव गाँव में बुलूवा दिन को तीन बेला खावा को नपाऊवा ना गोटे लिखिबो। आम कह अवदान लिखिदेले एवं अवदान कौन ना व्यक्ति समाज एमती स्तर अच्छा जेगुड़ा कि दिग्दर्शक भाव आम ग्रहण करूने। किंतु मनीष जीवन गढ़ापाई यदि प्रथम दिग्दर्शक किए ही था ताले से गाँव अवधान से गाँव नाक से जो जंत्रटी आसूची से जंत्र लिटरेचर कम्प्लीटली दिखती। से जंत्रटा कौन, से जंत्र कौन कर, से जंत्र द्वारा केमी काम करहब, हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दैट। से जंत्रटी को केमती सठिक भाव आम व्यवहार करपर से जंत्र कौटी दोष त्रुटि अच्छे पूरा लिटरेचर एवं से लिटरेचर को आम जी पढ़ू आम जानवु आम बुझू तेल आम व्यवहार आनी पार। तो जमती आम गोटे कौन सी जंत्रपातिरी करूचे जिते उद्भावन होते गोटे संकल्प नहीं जड़े वैज्ञानिक काम करोटे एमती जंत्र तैयारी करी जे काटि पार गोटे एमती जंत्र तैयारी करी जे बाटि पार। तो गोटे कनसेप्ट नहीं कि प्रथम गोटे संकल्प नहीं कि सृष्टि हो तो नामकरण अर्थ ठीक से हवा दरकार। गोटे संकल्प नहीं आम नामकरण करवा दरकार। आम सतानटी कौन हब कौन करवाई आम चाहूचे तो नामकरण संस्कार से आसुचे। तो नामकरण संस्कार जितेबाला आम करूचे आम साधारण भाव घरे एक पूजाटे करदे सत्यनारायण पूजा करदे सत्यनारायण पूजा पाखे आम नामकरण करदे कि संस्कार को करवाई नामकरण संस्कार करने नौटी पदक्षेप अच्छे जहाँ को आम समस्ते भूली जाइए। से नौटी पदक्षेप को आम जी अनुसरण करवा तेल आम संपूर्ण संस्कारित करें नामकरण संस्कार यथार्थ हम। नामकरण एमती नुहे पाँच जन रहीगले छिड़ाले पचारदेलु कौ नाटा भल लगे से लोक जे ना दौर प्रतिष्ठा कौन आम कौन जिनस देखुने। गोटे छोटिया कथाटे जिते आदि शंकराचार्य को पचरागला गोटे स्थान रे कौन सी देवादेवी जिते बसुंट बाम प्रतिष्ठा करूचे क्या नहीं से प्रतिष्ठित होती विकसित होकर शक्ति जो छुटिया उत्तर आदि शंकराचार्य किए बसुंच से महत्व रखुना किए बसई से मंदिर रे विग्रह किए प्रतिष्ठा कर सीए महत्व रखे से शक्तिर विकसित हवापाई। तो नार प्रभाव ठीक से किए रखी जो जदि आम शास्त्र को जाऊ बहु लोक थे अयोध्या बहु लोक थे मथुरा से मैंने नामकरण करते किंतु अपेक्षा करा जाउथिला कुलगुरु को जो उपयुक्त व्यक्ति नामकरण संस्कार बा नाम दबार योग्यता जहाँ अच्छी से नाम देवे। तेणु नामकरण संस्कार गोटे आमर उत्सवर कथा नुहे पूजापाठर कथा नुहे गोटे विज्ञान कथा। एवं प्रथम संस्कार नामकरण जो नौटी सोपान कहले प्रथम सोपान अभिषेक आम साधारण भाव आज पर्यंत जाणीचे अभिषेक कथा कहले मन को आसीज शिवंकर अभिषेक हुए
ଆଉ ଅଭିଷେକ କଥା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ନାମକରଣ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। କାହାର? ନବଜାତ ଶିଶୁର ଅଭିଷେକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ଅଭିଷେକ ହବ? କେତେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବା ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ କାହିଁକି କରାହବ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛି। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟତା ରହୁଛି। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଜୋନି ଦେଇକି ସେ ଆସିଛି ସେ ଜୋନିର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ କିଞ୍ଚିତ ଅଂଶରେ ରହିଯାଏ। ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ନର ପଶୁ ହେଇ ନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନରଟେ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଅଭିଷେକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆଣିଥିବା ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ତ ପିଲାଟିକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି, ଏକୋଇଶା ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିକି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟିକୁ ରଖୁଛେ ଏବଂ ତା'ର ନାମକରଣ କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି, ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସମର୍ପଣର ଦେଶ, ସମର୍ପଣର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକଟେ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ? ଦେବ ଶିଶୁ। ଅଭିଷେକ କାହାର କରାଯାଏ? ଦେବତାମାନଙ୍କର ବା ରାଜାମାନଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରାଜସିଂହାସନ ଆସି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତ୍ଵ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରହୁଛି ଶିଶୁଟି ହୁଏତ ଆମର ରାଜା ବା ଶିଶୁଟି ହୁଏତ ଦେବତା। ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତା'ର ଉତ୍ତର। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଶୌଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି ନା ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ, ଜନ୍ମ ସହିତ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ଜନ୍ମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର କଥା। ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାହା ଆମେ ଅଶୌଚ ହେଉ ମୃତ୍ତିକା କୁହନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଶୌଚ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାକୁ ଛୁତିକିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଶୌଚ ହେଉ, ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ନବାଗତ ଆସୁଛି ପରିବାର ଭିତରକୁ, ଖୁସିର କଥା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଯାଉ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଯାଉ। ତ ଏ ଅଛୁଆଁ ଭିତରେ କୁ ବିଜ୍ଞାନ କାମ କରୁଛି? ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠି ୱେଭ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ପବନର ସ୍ତର ଅଛି, ପବନର ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଛୁଆଁ ହେବା ପଛରେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆତ୍ମା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ବା ସି ଲେଭେଲ ସମୁଦ୍ର ପତନଠୁ 18 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛି ଇଏ ଧର୍ମ କହୁଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ
जो व्यक्ति मानकर संस्पर्शरे आसी थाए बा जो माने ज्ञान्ती कुटुंब केवल परिवार माने नि पूरा ज्ञान्ती कुटुंब पालन करंती से ज्ञान्ती कुटुंब मानको ऊपर तार प्रभाव अछि। जितोळे आमे चिंतन करू जितोळे आमे अशौच बोली आमको कुहा गला आमर जीवनचर्या रे परिवर्तन अणा गला एवं से जीवनचर्या परिवर्तन जितोळे अणा गला आम मन भितरे सबुबेले चेतना रे रहिला जे आमर जणे केही चली जायछि। यदि आमे नॉर्मल लाइफ मेंटेन करिवु होत आमे भूली जिवु बा जीवनचर्या भितरे जीवन जंजाल भितरे आम मनरु आमे पासरी जिवु जाइथिबा व्यक्तित्व प्रति जो व्यक्ति चली जाती से व्यक्ति सहित तो खूब कम लोकंर घनिष्ठ संपर्कता था निबिड़ संपर्कता था जो मैंने किछि दिन धरी चिंता करती समस्ते चिंता करती ना जिते समस्ते एकाकालीन चिंता करती से जो आत्माटी भूपृष्ठ भितर थाए तार परम गति हुए जो आम प्रार्थना करूँ जो पिंडदान करूँ दस दिन पर्यंत आम पिंडदान करूँ आम कहूँ दस दिन पर्यंत से निबिड़ भाव में आत्मा था से आत्मार सद्गति आम पिंड दौ एवं ठाकुर पूजा करूँ जहाँ को आम श्राद्ध कर्म कहचे बा दशकर्म कहचे से समय आम ठाकुर को प्रार्थना करूँ हे प्रभु पिंड आम देवार सक्षम अच्छी कि पिंड में प्राण देवार सक्षम तोर अच्छी जो आत्मा चली जाए से आत्मा को पुणी थे आम द्वारा सृष्टि होता पिंड भितर प्रवेश करा पुणी थे भूमंडल को मनीष जन्म दे कि आने आमरी भितर पुणी जन तैयारी कर जे आमर दिवांगत आत्मा से पुणी से शरीर में प्रवेश करू। छुआ छुती बारण यहीपाई करा जाए जदि केतबेले मनरु पासरी जाओ ताले आखो पाखो पड़ोसी माने मन पके देबे अरे तुम अमक लोक मरी जा तुम छुआ तुमर पूरा मृतिकिया चली तो से समय पुणी आमको बैक करे कॉन्शियसनेस तेणु मानसिक चेतना भितरे चली जाइथिबा व्यक्ति को रखिबा पाई से व्यक्तिर व्यक्तित्व को मन पकेबा पाई जहाँ आम कहू जे चिठा चित्रगुप्त पाखे अच्छी तो क्या गोटे रिमाइंड करने रिमाइंडर आम से व्यक्ति विषय जहाँ चिंता करूँ से चिंता भगवान को पाखे पहुँचे जदि आम आध्यात्मिक चेतना को जाऊ जदि आम जाऊ विज्ञान चेतना को जो व्यक्ति आमठू चली जा व्यक्तिर जो चिंता एवं चेतना से घर भितर लिपिबद्ध होकर रही जाए जहाँ को आम आकाशवाणी बोली कहू जो वेव्रे तार प्रमाण कहूँ बर्तमान लेटेस्ट साइंस कहूँ जे आकाश पथरे एमती पथ अच्छी वायुमंडल भितर एमती मंडल अच्छी जो थी साउंड वेव बा जो थी शब्द लिपिबद्ध होकर अच्छी जहाँ को जितेबले व्यास और गणेशंकर भागवत रचना से समय व्यास द्वारा जदि न बुझी पार लेखिब ना प्रभु गणेशंकर जितेबले बुझी पारिना से किसी शब्द को ऊपर को पठाई दीचंते एवं से शब्द अद्यवधि से लिपिबद्ध होकर अच्छी स्वर्गमंडल साउंड वेव्रे तो से जो चिंता अच्छी से लोकर जे चली जाइछि जहाँपाई आम मृतिकिया पालुचे जहाँपाई आम अशौच होचे तार जो चिंता अच्छी से चिंता आम चिंता बा आम चेतना भितर को न आसु आमको अस्तव्यस्त न करू आमे करूथिबा चिंता बा चेतनार कौन व्याघात न घटु तो ता चिंता को सफा करिबा पाई टू इरेज दैट थॉट से मृत व्यक्तिर चिंता को शोधन करिबा पाई आम अशौच हूँ जो आम समस्ते मिसी चिंता करूँ जहाँ परवर्त समय हो बेलिका खाइबा से बेलिका खाइबा एवं हांडी दबा से जो समय भितर समस्ते एकत्रित भाव से व्यक्ति विषय चिंता करती जी तार सद्गति हो
परमात्मा पाखे पहुँची जाओ। सी जो चेतना आमर सी चेतना काम करे और से व्यक्तिर चेतना जहाँ भूमंडल अच्छी जहाँ भूपृष्ठ अच्छी से दूरीभूत हो जाए। तेणु ताको दूरेवाई आम अशौच हो अशौच जहाँ आम शब्द अनुसार भाव गोटे एमती कथा जो थे आम निकृष्ट हो जाऊ अछुआ हो जाऊ अशौच हो सेमती किसी ना उभय जन्मरे मृत्यु आम अशौच हो जन्मरे अशौच हो जे आसी विषय चिंता करने मृतिकार चिंता करे जा विषय चिंता करने जनक पाखे आम तार पूर्व जन्मर प्रारब्ध आने चेष्टा करूँ जनक पाखे तार जो आत्मार कथा अच्छी से आत्मकथा ऊपर को चली जाऊ से मुक्ति पाई जाऊ पुणी थे से जन्म हो सी चिंताधारा नहीं कि आम अशौच बा जो कर्म सब करे कर्म करे अछुआ छुआ अशौच बहुत समय रे घरे जदि देवादेवी अच्छा पूजा बंद कर दि जाए कौन से आवश्यकता ना किंतु ये जदि कौन सी प्रकार किसी मात्रा रे आमर जीवनचर्या जहाँ थिला से आम करूँ ताले हुए तो आम जापर ना जनकर अनुपस्थित एवं उपस्थिति विषय तो जनकर अनुपस्थित को अनुभव करने आम जीवनचर्यार परिवर्तन करा जाए। तेणु जहाँ आम अशौच कथा कहे अशौच सूचक बाचक क्रिया जहाँ सूचाए जनकर उपस्थिति एवं अनुपस्थिति विषय जहाँ आमको बाध्य करे प्रार्थना करने अनुपस्थित आत्मापाई जहाँ आमको शिखाए जो आत्मा आमको छाड़ी जाए ता विषय चर्चा करने तार स्वप्न को साकार करने तार मुक्ति कामना करने मुक्ति प्रार्थना करने आज्ञा निश्चय आशा जी गोलक सर निश्चय सब बुझी सारी तेज गुरुजी आज समय सरी आज बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव। दर्शक बंधु समय सरी जाए आमको विदाय नाक पड़ो जावा पूर्व सबुदिन पर आज कहबी जदि आपण मन में किसी भी प्रश्न अच्छी तेल आपड़ चिठी लिखिपारे चिठी लिखला बेले निज नाम ठिकना फोन नंबर लिखा जमी भूलते चिठीर अपेक्षार रही पुणि देखा मंथन में से पर्यटन विदाय दिंतु जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।